सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर कोटा निर्धारित करने का फैसला सुनाया है। इसको लेकर वाल्मीकि समाज के द्वारा कोड़े हाउस पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर कोड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो कोटा निर्धारित करने का फैसला सुनाया है, उसके समर्थन में शिवपुरी जिले के समस्त वाल्मीकि समाज 4 सितंबर को माधव चौक चौराहा से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें उनकी प्रमुख मांग होगी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कोटा निर्धारित करने फैसला सुनाया है उसको लागू किया जाए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो पूरे मध्य प्रदेश में सफाई व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल किशोर कोड़े। आज ये मीटिंग रखी हुई है किस उद्देश्य से? राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत, आज ये जो बैठक रखी है 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में के कोटे में कोटा निर्धारित करने के लिए सभी राज्यों को जो अनुमति दी है उसके पक्ष में आज ये बैठक यहाँ पे कोड़े हाउस पे रखी गई है और उसमें शुक्री समाज के वाल्मीकि समाज के सभी गणमान्य कार्यकर्ता और समाज के मुख्य लोग उपस्थित हैं, जो विचार विमर्श कर रहे हैं कि 4 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए शिवपुरी जिले की और आसपास के सभी क्षेत्रों से वाल्मीकि समाज चौराहे से कलेक्टर शिवपुरी को महाज्ञापन प्रस्तुत करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।